अगर इस तरह से दो साइकिल बना सके जिसमें मैं टेस्ट भी कर रहा हूँ और मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ। अभी ना रिसेंटली आई गाना इंटरव्यू आई थी, हमने एक स्टोरी भी चेक करता था, उसका रैंक 18,000 था यूपीसी में, नेम है 18,000 एंड अभी टॉप 50 में रैंक था नवंबर के एनआईसी में, खराब है वो, तो इट विल इंप्रूव फ्रॉम 18,000 टू टॉप 50 आपका हेड। The only thing that she did differently in the subsequent attempt was she was giving tests. टेस्ट करना और क्वेश्चन करने में फर्क है। कई बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ इसको आप समझो मेरे साथ। कई बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, देखो सर मैंने एपिलेप्सी पढ़ लिया और मैं एपिलेप्सी के एमसीक्यू कर रहा हूँ, सर मैंने अभी ना सर ये पढ़ लिया मैं इसके एमसीक्यू कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन बायस है। सिलेक्शन बायस का मतलब क्या होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन कर रहे हो अच्छे, आपको लग रहा है अच्छा सर मैं तो बहुत बढ़िया करूँगा, असली एग्जाम हो रहा है तो ऐसा उसमें बता के थोड़ी आ रहा है कि एपिलेप्सी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें सभी सुन जाता है। So if you are not giving test, you will not get it. जैसे I was talking to a student recently, उसने बोला कि सर मैं अपने आप से ना टेस्ट कर क्वेश्चन करता रहता हूँ और मैं अपने आप को इवेलुएट करता रहता हूँ, क्वेश्चन में तो आंसर ही नहीं देके आ जाते, तेरा इवेलुएशन कैसे हो रहा है? इवेलुएशन का मतलब होता है कि we need a measurable outcome. जैसे मैंने टेस्ट दिया तो एक आउटकम आएगा कि कितने करेक्ट हुए, मेरा रैंक क्या आ रहा है, मैं कहाँ इम्प्रूव कर रहा हूँ, एंड दैट टेल्स मी हाउ आई कैन इम्प्रूव। सो द वाइटल लिंक दैट आई वांटेड टू पॉइंट आउट टुडे इज गिविंग टेस्ट्स in the subsequent months if we are giving tests and revising nobody can beat us. aap haar hi nahi sakte, aap chahe question bank mat karo, chahe aap textbook mat padho, chahe aap kuch bhi mat karo, khali revise karenge test denge, revise karenge test dena yaar, sir test mein mera outcome kharab aa raha hai, mera test kharab aata to dena hai, phone deke chala ja pehle, ye suna aapne kabhi? kai sare bachche aate hain bas kehte sir if I give a grand test if I don't do well I get depressed. जब हम एक आउटकम को अपनी सेल्फ एस्टीम को डिफाइन कर रहे हैं, मेरा ये मानना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, डिफीट इन लाइफ इज अ इवेंट, इट इज नॉट अ पर्सन, मतलब मैं इंसान क्या हूँ मेरी हार या जीत से डिफाइन होगा, वो तो एक इवेंट है, कभी हम जीतेंगे कभी हम हारेंगे, उससे सीख गया। अगली बार हम यही गलती तब होती है जब हम एक रैंक को हमारी जिंदगी को डिफाइन कर देते हैं। कई सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा रैंक खराब आ गया, आप रिपीटर बन जाओ, अपना नाम लिख दिया, अपना खुद का नाम, तो हम अपने आप को लेबल कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि एनी इवेंट दैट इज हैपनिंग इन लाइफ शुड नॉट डिफाइन योर सेल्फ एस्टीम। आपकी रैंक, आप क्या हो, आपके खुद के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके टीचर्स के लिए, वो रैंक से नहीं डिफाइन होता, रैंक से नहीं डिफाइन होता। मेरा ये कहना है कि आप उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह सोचो, जो भी हो रहा है वो लर्निंग एक्सपीरियंस। दूसरा ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने एक लाइन देखी, मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूँ, एक बहुत ही फेमस फिल्म स्टार है और उसकी ना एक पुरानी कहानी आपने मुझसे पहले सुना भी हो, उसकी ना एक ट्रेन मिस हो जाती है, एक ट्रेन स्टेशन पे ना वो ट्रेन मिस हो जाती है, वो बहुत नाराज होता है मेरी ट्रेन मिस हो गई बर्बाद हो गया। उस समय उसको एक फिल्म डायरेक्टर मिल जाता है जो उधर वो भी ट्रेन पे पकड़ना था और वो उसको स्टेशन में मिल जाता है, उसकी बात होनी शुरू होती है, उसको पिक्चर मिल जाती है और वो पिक्चर बाद में जाकर बहुत बड़ी हो जाती है और सुपरस्टार बन जाता है। मतलब आज अभी सोचो कि पिछली बार अगर बीपीसी में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था और आप सोच रहे हो मेरी ट्रेन मिस हो गई है, आप ये सोचो शायद कोई और कुछ और बड़ा होना था जिसकी अपॉर्चुनिटी अब आ रही है, आप उसको सोच रहे थे कि आप सोच रहे गलत हो गया, बट देयर इज अ बिगर प्लान फॉर यू, ठीक है, देयर इज अ बिगर प्लान। मुझे ये लगता है कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास कि सर मेरा पिछली बार नॉट क्वालिफाइड हुआ, इसमें क्या अच्छा हो सकता है? आप कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होता है बड़े प्लान के कारण हो रहा है, मेरा पिछली बार नॉट सेलेक्ट हो गया, आप कह रहे हो उसमें क्या अच्छा हो सकता है? अभी अगर ठीक नहीं हुआ इसका मतलब है कुछ और होने वाला है जो बहुत ज्यादा ठीक होगा, और टेस्ट जितनी बार आप टेस्ट होगा उतना इम्प्रूव करोगे। थैंक यू वेरी मच।